जानती हो गुड्डी, ये जो सुंदर सा घर मम्मी पापा बना रहे हैं वो किसके लिए है? हमारे लिए। और पता है, ये होगा तुम्हारा कमरा और ये होगा तुम्हारा बिस्तर, समझी? पसंद आया ना? तुम यही रहना, हम अभी आते हैं। ठीक है। सुनिए जी, वो हम चलो। ये लीजिए। नहीं शंकर, चलो टाइम हो रहा है। तनिक ठहरो, अभी आते हैं। अरे खाना तो खत्म कर लीजिए, फिर चल दिए पैसे लेके। हम अभी आते हैं, इंतजार मत करना। अब क्या हो गया? कुछ नहीं। तो फिर बिना मतलब के काय रो रही हो, पगला गई हो का? जानते हैं, आज हमने अपनी मुन्नी की बातें सुनी, उसको लगता है कि हम ये जो घर बना रहे हैं, कि ये सब कुछ बना रहे हैं, ये उसके लिए। वो तो ये भी नहीं जानती कि 6 महीने बाद जब ये बिल्डिंग बन जाएगी तो हमारा काम ख़त्म और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन ये सब कुछ उसको कैसे समझाएं? अब इसमें समझाने की क्या बात है? अपनी लाडली से बोलो कि सपनों से घर नहीं बनता, घर बनाने के लिए पैसे चाहिए। और हमारे गांव का घर, वो भी तो गिर रहा है। तो हमसे क्या चाहती हो तुम? हम बस ये कह रहे थे कि अगर हम गांव के घर की मरम्मत के लिए कुछ पैसे भिजवा देते तो वो पूनम दीदी के चाचा हैं, वो गांव ही जा रहे हैं, उनके हाथ में भिजवा देते। पूनम दीदी के चाचा, याद है ना पिछली बार क्या हुआ था, जब तुम्हारे रामू काका के हाथ से पैसे भिजवाए थे तो? 5,000 भिजवाए थे, 4,000 ही पहुंचे। लेकिन हम देखो, दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, ये सोचने का काम हम पे छोड़ दो, हम हैं ना। अब अपनी खिटिर पिटिर बंद करो और चुपचाप सो जाओ। शंकर कैसे हो? सब ठीक है। ये लो। धन्यवाद साहिब, त्योहार के बाद मिलते हैं। ठीक है ठीक है, आ जाओ। सब सामान बांध लिया ना? हाँ। 3 घंटे में गांव के लिए बस छूटेगी। जी हम सोच रहे थे कि हम 1 साल के बाद गांव जा रहे हैं, तो अगर कुछ मिठाई कपड़ा लेके। अब इतना समय नहीं है, बक्से में जो पैसे बचाए हैं उसे संभाल के रख लो। साल भर की मेहनत और इतना ही? क्या बात है, हमारी बेटी कितनी बड़ी हो गई। प्रणाम शंकर, आओ। कैसी है तू? अरे राम राम शंकर भैया। राम राम। आपने तो कमाल कर दिया। प्रणाम। 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 वो क्या है? अरे शंकर बेटा, राम राम। राम राम मास्टर बेटा, तुम्हारे भेजे हुए पैसे तो बहुत काम आए, स्कूल के छत की मरम्मत हो गई, वरना तो पता नहीं बारिश में क्या होता। सब आपका आशीर्वाद है मास्टर जी। शाबाश बेटा। चलो भैया, भाभी, मुन्नी, कब से इंतजार कर रहे हैं आप लोगों का? भाभी ये कपड़े देखे आपने? अरे वही तो है जो आपने शहर से भेजा था। चलिए चलिए, आइए आ जाओ मुन्नी। सुनिए जी, हमारा घर कहाँ गया? ये तो रहा तुम्हारे सामने, तुम्हारा अपना घर। आ जाओ। एक बात पूछनी थी जी, ये सब कब कैसे? ओहो मम्मी,
यही तो है बाबूजी की जादुई छड़ी, इनका मोबाइल। मुन्नी सही कह रही है, ये सब हुआ ऑक्सीजन मनी ट्रांसफर सेवा से, पैसे भेजने का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका। अच्छा। अपने निकटतम ऑक्सीजन विक्रेता के पास जाकर अपने मोबाइल पे ऑक्सीजन वॉलेट खोलें और पैसे लोड करवाएं, फिर क्या, भेजिए पैसे कभी भी कहीं भी जहां आप चाहें, यहां से टूटू और वहां से खन खन।